नमस्कार, मैं सचिन राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज थालाबैंड में दो दिवसीय संस्कृत महोत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में पोखरी ब्लॉक के विद्यालयों ने भाग लिया। श्लोक उच्चारण में रायका थालाबैंड ने पहला स्थान लिया। वाद विवाद में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिकौन ने बाजी मारे। प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले विद्यालयों का चयन जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता के लिए किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर को देहरादून में परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक तांडव रैली निकालने जा रही है। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि रैली का उद्देश्य प्रदेश में मूल निवास और भू कानून लागू कराने की मांग करना है। देखिए, ये जो रैली 24 तारीख को हुआ है ये उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को तय करेगी और उत्तराखंड की जन भावनाओं पे खरी उतरने की कोशिश करेगी। और ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी। पूरा पहाड़ गर्म हो रहा है क्योंकि मूल निवास का जो सवाल है, भू कानून का जो सवाल है, पूर्णकालिक राजधानी का जो सवाल है, परिसंपत्तियों का जो सवाल है, वो पहाड़ की जनता 24 साल में अब जान चुकी है। ये हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है, शौचालय व्यवहार हो रहा है, पहाड़ को बर्बाद करने की साजिश है, इसलिए लोग लामबंद हो रहे हैं। और 24 तारीख को तमाम पूरे पहाड़ से लोग आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इसमें नहीं बोल सकती, उसका कारण है कि जो बाहर के लोग हैं, 60 लाख आदमी यहाँ आ गया है, उनका वोट पर कांग्रेस की निगाह है, भाजपा की निगाह है। भाजपा कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी इसको। रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा को MP MLA कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर झूठे वीडियो के जरिए केस दर्ज किया गया। उन्होंने षड्यंत्रकर्ताओं को सबक सिखाने की बात कही है। हरदोई में मां भगवती के सातवें विशाल जागरण का आयोजन जय माता जागरण समिति ने किया। श्रद्धालु रात भर भजन सुनकर झूमते रहे। कार्यक्रम का समापन सुबह प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इसमें अनुसूचित जाति आयोग की राष्ट्रीय सदस्य और पूर्व सांसद अंजू बाला ने भी भाग लिया। मेरठ में एक शराब की दुकान के कैशियर से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट हुई। कैशियर जब दुकान के बाहर निकला तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा दिखाकर पैसे लूट लिए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सर, एक शराब के कलेक्शन एजेंसी लूट की वारदात हुई, कितने पैसे लूटे गए और क्या पूरी वारदात? देखिए, आज थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र में खेलवा पुल पड़ता है, वहां पर एक अंकुर सोम नाम के व्यक्ति है जो कि एक लीकर शॉप के कलेक्शन एजेंट है। ये शॉप से पैसे कलेक्ट करके आ रहे थे खेलवा पुल के पहले ही, इन्हें 3 बदमाश जो एक बाइक पर सवार थे। मुस्लिमीन प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी आज सुबह कड़ी सुरक्षा में हापुड़ कोर्ट पहुंचे। यह मामला 3 फरवरी 2022 का है जब सचिन और शुभम ने पलखुआ टोल पर ओवैसी पर फायरिंग की थी। दोनों आरोपी वर्तमान में जेल में हैं। ओवैसी इस केस के सिलसिले में कोर्ट आए। गोंडा जिले के नंदिनी नगर महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें पूर्व सांसद विभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में हलधम मऊ और कटरा बाजार के मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित एक होटल में पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप थे जिन्हें भव्य स्वागत किया गया। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना परिजनों को मिलते ही परिवार में मातम छा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। बाराबंकी जो लखनऊ से सटा हुआ है अब इको टूरिज्म का नया केंद्र बन गया है। ग्राम तिंदौला में पेनाक एडवेंचर पार्क 4.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है जिसमें सैलानी ट्री वॉक, जिप लाइन, रोड क्रॉस, वाटर साइकिलिंग और ऑर्चरी जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। ये पार्क 10 एकड़ में फैला है और इसमें स्थानीय टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। सहारनपुर के BJP महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी पर फिल्म अभिनेत्री सपना गोयल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि त्यागी पिछले 10 सालों से उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर यौन शोषण कर रहे हैं। इस पर पुनीत त्यागी ने आरोपों को साजिश बताते हुए खुद को बेदाग बताया है। मामले ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। झांसी में एक 3.5 साल की कृषिका ने थानेदार का अनोखा उदाहरण पेश किया है। वो हर दिन वर्दी पहनकर 5 घंटे थाने की पहरेदारी करती है। उसके माता पिता समता सिंह पुलिस ने कांस्टेबल है जबकि पिता कुलदीप सेना में तैनात है। मासूम कृषिका फरियादियों की सुनवाई करती है और देश सेवा का जज्बा दिखाते हुए सबका ध्यान आकर्षित कर रही है।
कुशामी में रमेश केसरवानी पर यूपी पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित अशोक कुमार ने अपनी बेटी के लिए ये राशि रिश्वत के रूप में दी थी और ठग के साथ रुपए देने का वीडियो भी बनाया। रुपए मांगने पर रमेश ने जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, लेकिन रसूख के चलते रमेश की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बलरामपुर में वायो CNG प्लांट में तेज विस्फोट हुआ, जिसमें आसपास के इलाकों में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। विस्फोट लगभग 2 बजे हुआ, जब CNG गैस से भरा एक चैम्बर फट गया। इसमें एक बड़ी दुर्घटना टली है। फतेहपुर जिले के तंबेश्वर नगर में डॉक्टर JK उमराव में उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन ने चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमराव को उनके 16 घंटे की सेवाओं और गरीबों की मदद के लिए सम्मान मिला। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।